फ्लैश मार्केट में खुशामदीद। आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे स्प्रे पेंट का। स्प्रे पेंट हमारे पास तीन किस्म के कंपनी में इसमें अवेलेबल हैं, म्यूबा में, एसएमटी में और ओलंपिया में। फिलहाल अभी हम म्यूबा सेल कर रहे हैं। ये हमारा द्रा स्टोर और MHmarket.pk पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेबल पर देख सकते हैं हमारे पास तीन किस्म के ब्रांड पड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के आंसर भी देंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने हमसे द्रा स्टोर या MHmarket.pk पर पूछे हैं। सबसे पहले हम प्लांट वाटरिंग बोतल पे हमने मैट ब्लैक कलर किया है युबा कंपनी का, और अभी इसको हम मज़ीद शाइनिंग बनाने के लिए लैकर यूज़ करने लगे हैं। लैकर जो बेसिकली यूज़ होता है वो कलर को रिन्यू करने के लिए या मज़ीद शाइनिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने स्प्रे पेंट किया है तो उसके 2-3 आवर के बाद आप लैकर कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा टाइम दें तो 5-6 आवर के बाद करें तो मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी हमने इसको लैकर स्प्रे पेंट किया है, देख सकते हैं आप वीडियो में काफ़ी शाइनी लुक में आ गया। अब जो म्यूबा कंपनी में ब्लैक में इसमें दो होते हैं, एक ग्लॉस ब्लैक आता है और एक मैट ब्लैक आता है। और अभी हमारे पास ये जाली आ गई है, ये काफ़ी जंगलूद है। इस पर हम ओलंपिया कंपनी का सिल्वर कलर करेंगे। जो स्प्रे पेंट होता है बेसिकली ये वाटर प्रूफ होता है, और किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए उसको स्प्रे किया जा सकता है, स्प्रे पेंट किया जा सकता है। इसी तरह स्प्रे पेंट वॉल पर यूज़ हो सकता है, और वॉल आर्टिस्ट जो वॉल पे मुख्तलिफ आर्ट वगैरह बनाते हैं वो भी स्प्रे पेंट के ज़रिए बनाते हैं। पर अगर आपने पूरी दीवार पे पेंट करना हो तो आपको स्प्रे पेंट बहुत महंगा पड़ जाएगा, उसके लिए आपको टेम्पर ख़रीदना चाहिए जो बुरिश वाला पेंट होता है। और दूसरा सवाल है स्प्रे पेंट की लाइफ टाइम कितनी होती है। स्प्रे पेंट की लाइफ टाइम आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। स्प्रे पेंट वाटर प्रूफ होता है, उस तरह जिस तरह ओरिजिनल पेंट ख़राब होता है इस तरह स्प्रे पेंट भी ख़राब होता है स्क्रैचेस वगैरह से। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे पेंट थोड़ा सा लग गया था, तो उसको उतारने के लिए आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल से इजीली पेंट ये रिमूव हो जाता है। पेंट करने के आधे घंटे या घंटे के बाद पेंट को हाथों से उतार लें, नहीं तो ये फिर बाद में उतरता नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल पेंट हाथों से साफ हो चुका है। दूसरा भी हमने वुड पे सिल्वर कलर किया था। अब अगर आपको हो कि यार पेंट मैंने गलत जगह कर दी तो आप इसको पेट्रोल से रिमूव भी कर सकते हैं। देखें कपड़े पे हमने थोड़ा सा पेट्रोल लगाया। और इजीली देख लें ये रिमूव हो रहा है, थोड़ा सा आपको हार्ड थोड़ा सा रखना पड़ेगा तो इजीली ये रिमूव हो जाएगा। खाली पेट्रोल फेंकने से रिमूव नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह ये पेट्रोल आप ये पेंट आप बाइक की टंकी पे कर सकते हैं। जिस तरह ओरिजिनल टंकी ख़राब होती है बिल्कुल इसी तरह ये भी ख़राब होता है ये वाला पेंट। खाली देख ले फेंकने से पेट्रोल नहीं उतरता। मतलब किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया हुआ था कि बाइक की टंकी पे पेट्रोल ये पेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने बता दिया कि जिस तरह ओरिजिनल पेंट ख़राब होता है उसी तरह ही ये वाला पेंट ख़राब होता है। अभी हम बाइक की ये बाइक की सीट पर लैकर स्प्रे कर रहे हैं। लैकर स्प्रे आप बाइक गाड़ी की सीट्स वगैरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिन्यू हो जाती है सीट्स वगैरह, न्यू लुक देने लग जाती हैं। और ये बाइक की टंकी पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्क्रैचेस हैं, इस पर हम लैकर करेंगे तो ये स्क्रैचेस बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, आपको नज़र भी नहीं आएंगे स्क्रैचेस लैकर करने के बाद, पेंट बिल्कुल रिन्यू हो जाता है। लैकर जो होता है स्प्रे ये पेंट को रिन्यू करने के लिए होता है। बस लैकर यूज़ करते हुए आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि स्टील क्रोम और शीशे वाली जगह पे यूज़ नहीं करना, ये इनकी चमक को ख़त्म कर देता है लैकर। बाकी आप गाड़ी के इंटीरियर पे यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी की बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, वुड पे यूज़ कर सकते हैं, वुड डोर होते हैं तो उनको उस पर लैकर करें तो बिल्कुल नहीं हो जाते हैं, वुड टेबल होते हैं इस तरह ही। या वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल न्यू लुक दे रही है टंकी। आधी साइड पे हमने पेंट किया, आधी साइड पे लैकर किया, आधी साइड पे नहीं किया हुआ। इसी तरह ही आप टायरों पे यूज़ कर सकते हैं, टायर बिल्कुल न्यू लुक देने लग जाते हैं। ये मैंने कपड़ा रखा हुआ था आगे के रिम पे ये लैकर ना जाए, क्योंकि रिम की चमक ख़त्म कर देगा लैकर अगर रिम पे जाएगा।
ये क्रोम कलर में आपको इस पर करके भी दिखा देता हूँ, ये म्यूबो का क्रोम कलर में करने लगा हूँ। ये बेसिकली स्क्रू ड्राइवर है जो पहले का कंपनी में क्रोम आया हुआ है, अभी मैं इसके ऊपर क्रोम म्यूबा का क्रोम इस पर करने लगा हूँ स्क्रू ड्राइवर पे। जब मैं इस पर क्रोम करूँगा कलर बिल्कुल सेम रहे, और क्रोम और गोल्ड कलर महंगे होते हैं बाकी कलरों की नस्बत। ये वीडियो में देख सकते हैं तकरीबन सेम ही लग रहा है, पर बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये चंद तस्वीरें जो लोगों ने मुझे फीडबैक दी हुई हैं।